नाज़रीन आएँ, आज हम आपको अलबैग 2020 पिज़्ज़ा इशरा लाहौर फ्रेंचाइज से का पिज़्ज़ा सीख कबाब की रेसिपी बनाते हुए दिखाते हैं। अलबैग फ्रेंचाइज के अंदर चलते हैं। सर अल्लाह का शुक्र। यहाँ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अकलीम डार। अच्छा अकलीम डार साहब, आप यहाँ पे कितनी देर से काम कर रहे हैं? सर मुझे 10 से 15 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छा माशाल्लाह। तो ये क्या, इसमें क्या करने लगे हैं आप? सर ये पिज्जा डो की रेसिपी लगाने लगे हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा सर हमारे कस्टमर्स को भी। ये सर जी आपके सामने भी सारी बनाऊंगा। ये चीजें हैं, इसके लिए हमें बटर चाहिए। 5 किलो की रेसिपी की दाल हो, 100 ग्राम बटर है। अच्छा ठीक है। इसके अलावा 3 eggs है और 250 ग्राम जन्म लेने हैं ईस्ट है। अच्छा। ईस्ट रेसिपी तैयार की हुई है। ठीक है। उसके अलावा ऑयल है और मिल्क है और पानी है। ठीक हो गया। अच्छा ये 5 किलो? 5 किलो की रेसिपी। ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी पानी चला गया इसमें। ठीक होगा। अब ये 3 अंडे डालेंगे। ये डो अब तकरीबन तैयार हो चुकी है, तो ये अब उसको बंद करके निकालने लगे बाहर। डो तैयार हो चुकी है और अब ये प्रूफ के लिए उन्होंने रखी है। तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट लगते हैं, तो आइए हम आधे घंटे तक दोबारा आपसे मिलेंगे। ये मीडियम पिज्जे का ये वेट कर रहे हैं। ये तकरीबन 300 ग्राम करते हैं। 300 ग्राम मीडियम का। 300 ग्राम मीडियम का और लार्ज का कितना? 4.5। लार्ज का 4.5। और स्मॉल? स्मॉल 180 से 170 ही लाएंगे। डो को पिज्जे की शक्ल में ला रहे हैं। मैंने तलब कहा है ये पैन के अंदर इसको ऐसे साथ जोड़े हैं, तो इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए रख देंगे ताकि थोड़ी प्रूफ हो जाए। अच्छा, सबसे पहले तो हमने एक स्मॉल का पैन लिया। ठीक है, 180 ग्राम की डो बनाई है। ठीक है, अब इसके अंदर स्मॉल पिज्जा, स्मॉल पिज्जा ये कबाब क्रस्ट बनाने लगे हम। ठीक है, अब ये शुरू करते हैं। आज सामने स्टार्ट करेंगे हम। क्वाब रखने हैं हमने साइडों पे। ठीक हो गया। ठीक है, मायो की टोपिंग करनी है इसके। ये क्या है? मायोनीज। अच्छा दोनों। ठीक हो गया, इसको आगे जा आने बैंड कर देना है, फोल्ड कर देना है। यहाँ ठीक हो गया। तो ये तो इससे छोटा नहीं हो गया? नहीं नहीं, इसको तो बहेंगे, अभी भरा होगा ना। अच्छा, ये आग सामने ही होगा सब। क्वाब अब इसके अंदर चला गया। ठीक है, डो के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हमने लगानी है सॉस, पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस? पिज्जा सॉस अंदाजे से लगानी है, जिस तरह स्पाइसी करना हो उतने ज्यादा लगा लो। ठीक हो गया। पिज्जा सॉस कैसे बनती है? ये पिज्जा सॉस जो सी है, इसके अंदर टमाटो ब्रांच करके फिर इसके अंदर 5 से 6 किस्म के मसाले होते हैं, वो डालते हैं हम। तकरीबन 2 घंटे के लिए चूल्हे पे चढ़ा देते हैं हम।
जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाता है तो हलवा टाइप नहीं बन जाता, वैसे इसकी फॉर्म निकले तो तब सही पकती है। अब इसके बाद ये भी है कि बाजार से भी मिल सकती है, बाजार से भी मिलती है, बाजार से शिंगरेला की बेस्ट है, शिंगरेला की जो होती है वो भी बेस्ट है, लेकिन हम खुद बनाते हैं। इसके बाद ये चिकन लगा रहा हूँ, आपने अपने टेस्ट वगैरह किया है। हाँ जी, ये चिकन लगा, ये चिकन लगा दिया हमने, इसके ऊपर मायो की टॉपिंग होगी, मायो लगा दी। अब इसके बाद आ जाएगी ऊपर चीज, इसके चीज कौन सी होती है? ये चीज हम मैडम्स की कर रहे हैं, दो चेडर है और एक मोज़रेला ब्लॉक होते हैं, दो इसे चेडर और एक ही सेवन मोज़रेला का 2 kg लगा दो। ये भी यानी कि हस्बैंड साइज इसके ऊपर डाल देनी है। हाँ ठीक हो गया, अब ये हो गया, चीज तैयार हो गया, अभी इसके अब आगे टॉपिंग करनी है इसके ऊपर हमें। ठीक हो गया, टमाटर की टॉपिंग ये टमाटर की टॉपिंग हो गई, इसके बाद ये मशरूम ब्लैक हो गई, मशरूम और ये ब्लैक हो गई, ब्लैक ऑलिव स्वीट कॉर्न, क्या ये स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न हो गया, ठीक हो गया। अब इसके ऊपर टॉपिंग से इसकी शक्ल हाँ जी नजर आती है सही। हाँ असल डे जोन है इसका, ये डो का और चिकन का जो सॉस मैंने बताई है ना वो उससे, ये एक किस्म का डिस्प्ले है लेकिन थोड़ा सा टेस्ट बनता है। और ये अब शिमला मिर्च, शिमला मिर्च ऐड हो गई, अब ये इसी टॉपिंग के ऊपर जाएंगे क्वाब, ठीक हो गया। ये वही क्वाब जो पहले आपने अंदर क्वाब, हाँ जी, अब इसके ऊपर और एक्स्ट्रा टॉपिंग होगी क्वाब, ठीक हो गया, सही उनको पता चले किस तरह की टॉपिंग होगी, ठीक हो गया। अब इसको हम रखेंगे ओवन के अंदर, अच्छा ठीक है, 7 मिनट के ऊपर रखेंगे, 7 मिनट का ये तो ये इसका कोई है कि आप स्मॉल पिज्जा बना रहे हैं तो 7 मिनट रखा तो अगर लार्ज होगा या उसका टाइम ज्यादा होगा? नहीं, टेम्परेचर जो है ना मैं सेट किया होता पहले से ही, अच्छा मशीन के लिए, मशीन के लिए आते हैं तो वो चाहे लार्ज हो चाहे एक्स्ट्रा लार्ज हो चाहे स्मॉल हो मीडियम हो टाइम इसने एक ही लेना, 7 मिनट, 7 मिनट में आपने तब देना जब 300 ऊपर वाला टेम्परेचर हो और 270 नीचे वाला टेम्परेचर हो, ठीक हो। अब ये ओवन के अंदर जा रहा है, ये पिज्जा मशीन ये ओवन के अंदर चला गया, हम देख रहे हैं पहले भी रखा हुआ था इन्होंने जो निकाले, पिज्जा बिल्कुल तैयार है फ्रेश, बहुत ही हॉट और तो देखें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कटिंग करेंगे इसे देखेंगे ये खाने में कितना मज़ेदार होगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स देना ना भूलें SK TV।